नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रमुख मौसम की जानकारी। अगर हम बात करें जीआईएस मैप के, अगर इस अधिकतम तापमान वाले मैप में, तो आप देखेंगे, ये देखिए हमने दिखाया हुआ है इन जगहों पे, सारे जगहों पे अगर आप देखें लाल रंगों से दिखाया गया, और साथ ही साथ उनको ये दर्शाया जा रहा है हीट वेव के रूप में, गर्म हवाओं का जो प्रकोप है। एक तरह से आप देखेंगे, एक तरह से ज़्यादातर जगहों में, ज़्यादातर राज्यों में अब लाल रंगों से दिखाया गया है। ये सारे हीट वेव मैप के इंडिकेशंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो एक तरह से अगर आप देखें सब जगहों पर, इन जगहों पर गर्म हवाओं का प्रकोप जारी है। और एक खास जानकारी अगर हम आपको बताएं, पिछले 122 वर्षों में अगर हम देखे जाए, औसत अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया है मार्च 2022 का, वो सबसे ज़्यादा रहा 33.10। जैसा कि आप जान सकते हैं कि पूरे 122 वर्षों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 33.10 पिछले महीने मार्च 2022 में दर्ज किया गया है। ज़्यादा जानकारी आप हमारी प्रेस रिलीज में देख सकते हैं जो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया गया है। आइए अब जानकारी देख लेते हैं कि अब 2 से 3 अप्रैल को, जो आज और कल, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में लू चलने की संभावना है। गर्म हवाओं का प्रकोप आज और कल इन जगहों पर देखने को मिल सकता है। दूसरी जगहों की अगर हम बात करें, आज और कल और परसों 2 से 4 अप्रैल को झारखंड में, 2 से 6 अप्रैल को राजस्थान, ये वाले भाग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। मैंने आज से 6 तारीख तक, 6 अप्रैल, अगर हम 2 से 4 अप्रैल तक की बात करें पूर्वी राज्यों में, अब यहाँ पे चूंकि जैसा कि हम देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं जो तीव्र रूप में उनको प्रभावित कर रही है, तो मुख्य रूप से इन जगहों पे अब भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। तो 2 से 4 अप्रैल को अरुणाचल, असम, मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। 3 और 4 अप्रैल को, कल और परसों, अगर हम बात करें मेघालय में अत्यधिक भारी वर्षा देखी जा सकती है। अगर हम 6 अप्रैल की बात करें, अब जो दूसरी खबर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 6 अप्रैल को दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बनने जा रहा है, या एक तरह से क्षेत्र बनने की संभावना है। और इसके प्रभाव में क्या होने वाला है, अगले 24 घंटों के दौरान, मतलब 6 अप्रैल के बाद अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगर आइए अब देखते हैं अधिकतम तापमान वाले इस मैप को, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब पूर्वानुमान क्या है वो हम बता देते हैं। अगले 2 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में हालांकि कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उसके बाद अब थोड़ी सी गिरावट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की देखी जा सकती है। उसी तरह से अगर गुजरात राज्य में भी अगर हम बात करें, आने वाले 3 दिनों में जो तापमान है वो जस के तस ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। अब अगर हम आज और आज की बात करें, दक्षिण हरियाणा, छत्तीसगढ़ में हीट वेव की स्थिति प्रबल होने जा रही है 2 अप्रैल जो कि आज है, प्रबल होने जा रही है। और आज और कल में हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, विदर्भ, गुजरात राज्य में देख एक तरह से आज और कल में हीट वेव देखी जा सकती है। और अगर झारखंड की बात करें, 2 से 4 अप्रैल को झारखंड में और अगले 5 दिनों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान जैसा कि हमने बताया, पूर्व जैसा कि आपने मैप में भी देखा, जीआईएस वाले मैप में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। उसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के भाग, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, इन सारे भागों में दर्ज किया गया। अगर औसत तापमान बताएं, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चल रहा है जम्मू डिवीजन में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब, एक तरह से मध्य महाराष्ट्र में। तो इस तरह से जो सामान्य जो तापमान सभी जगह में भारतवर्ष में अधिक चल रहा है, हीट वेव की कंडीशन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई है। और अगर हम पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, इन जगहों पर भी हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है। वर्षा की जैसा कि हमने सटीक पूर्वानुमान पूर्वोत्तर राज्य के लिए किया हुआ था, अगर हम बात करें तो वहाँ मौसिनराम में अगर देखेंगे 39 सेंटीमीटर, आप समझ सकते हैं 39 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। उसी तरह से चेरापूंजी में 36 सेंटीमीटर, अगर हम बात करें सोहरा में 36 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं इसका जो सेंटीमीटर में है काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक से अत्यधिक वर्षा यहाँ पे दर्ज की गई है। आइए अगर हम इनसेट 3DR की इमेज को अगर हम देखें संयुक्त परिस्थिति के रूप में, अगर देखें ये देखिए कल यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है जो अफगानिस्तान के आसपास यहाँ पे एक हल्का सा दिख रहा है आपको। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको राजस्थान के पास, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार झारखंड के पास और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश और उसके आसपास के समीपवर्ती जगहों में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक ट्रफ रेखा आप देखेंगे यहाँ पे बिहार और उड़ीसा के आंतरिक भागों तक यहाँ फैला हुआ, और एक विंड डिसकंटिन्यूटी जिसको हम कहते हैं, हवाओं का विच्छेदन, अगर आप देखें अब ये
एक तरह से है, ये तेलंगाना से होता हुआ ये आंतरिक आंध्र प्रदेश से होते हुए तमिलनाडु के बीच यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इन जगह स्थिति से क्या होने जा रही, यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की एक्टिविटी अब आप देखेंगे पूर्वानुमान में कि यहाँ पे आज और कल देखने को मिल सकती है। हवाओं का जिस तरह से हमने हम बताया आपका, वर्षा की चेतावनी के रूप में अगर हम बताएं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड जिसको हमने बताया बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रभावित कर रहे हैं, भारी से भारी वर्षा वहां देखी जा सकती है, और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी आज और कल पूर्वोत्तर राज्यों में होने की प्रबल संभावना। अंडमान निकोबार आइलैंड में 6 अप्रैल को भारी वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि हवाओं की विंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने बताया, हल्की मध्यम वर्षा आने वाले 5 दिनों तक दक्षिणी प्रायद्वीप में देखने को मिल सकती है। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी तमिलनाडु कोस्टल साउथ इंटीरियर कर्नाटका केरला माहे में आने वाले 5 दिनों तक देखने को मिल सकती है। और अब पश्चिमी राजस्थान में हवा जो जो डस्ट रेजिंग विंड जिसको हम कह सकते हैं धूल भरी आंधी एक हल्की सी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये देखने को मिल सकती है। और अपर एयर सर्कुलेशन की जैसा कि हमने बताया साउथ दक्षिण अंडमान सागर में 6 अप्रैल को एक तरह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन में अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन में एक सिस्टम बनने जा रहा है जिसमें कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना उसके सब्सिक्वेंट आने वाले 24 घंटों में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें उससे जो प्रभाव होने जाएंगे 6 अप्रैल को निकोबार आइलैंड में भारी वर्षा देखी जा सकती है। और जो स्क्वाली वेदर की कंडीशन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गस्टिंग देखने को मिल सकती है दक्षिण अंडमान सागर और खासकर उन जगहों पर जैसा कि हमने बताया अंडमान और निकोबार के आसपास समीपवर्ती जगह, तो यहाँ पे एक तरह से मछुआरों को सलाह दी जाएगी वो उन जगहों पर न जाए। ये 5 दिनों के पूर्वानुमान को मैप जिसके बारे में हमने अभी आपको चर्चा की, कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।